सारे किसान भरावां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। झज एग्रीकल्चर चैनल ते आप सब्जी दा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अज आपां तुहानूं झोने विच दूसरे यूरिया रेह बारे दसना सी। आपां दूसरे यूरिया रेह विच ना पोटास ऐड कीता आ। पोटास दी मात्रा 15 किलो प्रति एकड़ कीती आ। की किसान वीर 25 किलो तक भी पा रहे ने, पर आपां ने मिट्टी टैसट करवाई सी ते थोड़ी मात्रा की कमी सी, इस करके आप 15 किलो तक पा रहे हैं। पोटास दे नाल जेड़े अपने हेठां तत् पे हुंदे ने धरती दे विच वो एक्टिव हो जाते हैं। पोटास जल्दी जल्दी झोने नूं वो तत् लगा दिंदा ते झोना बुझा बना जाता है। बाकी दोस्तों तुसीं झोना देख सकते हो, 15 दिनों का झोना हो चुके आ। एक यूरिया पहला पा दिता गया सी इस विच ते बिल्कुल ओके रिपोर्ट आ। वधिया इहदे 5 से 6 टीलर बन चुके ने ते पोटास वधिया चीज़ आ। मैं सारे किसान भरावां नूं अपील करदा वी तुसीं भी 15 किलो तो 20 किलो 25 किलो पोटास जरूर पाया करो। ते इस दे नाल ही आपां तुहानूं लै चलदे आं आपां मक्की दे अचार बारे तुहानूं दसना सी। मक्की दा अचार पाई जा रहे हां हुण आपां, तुहानूं वीडियो दे विच दिखावांगे मक्की किन्नी वधिया मक्की दा अचार पै रहा। कणक दे वाढे मक्की आ पैनियर दी 33-96, बहुत वधिया मक्की आ। पर परमात्मा साथ नहीं दे रहा, देख लो किवें बदल उपर ऐ डिग्गिया पिया वी, बस हुण आया हुण आया। परमात्मा दे रंग ने, कहिंदे नहीं हुंदे जट्टा तेरी जून बुरी, ये जट्ट दी जून ऐं बुरी हो जांदी आ। परमात्मा सहाई नहीं हुंदा हैगा, अंग संग रहे ना परमात्मा फिर बड़ा वधिया। ये रास्ता किता होया खेत विच, पहला रास्ता हुंदा है बनरो मशीन आ जिहड़ी अपनी चार पारी आ, तुहानूं दिखाउणे आ मशीन दा करतब किवें किवें चल रही आ मशीन। जिवें कि आपणे तुहानूं पिछले ब्लॉग विच दस्सिया सी वी आपां कणक दे वाढे वाली मक्की बारे तुहानूं जानकारी देवांगे। अज देखो असीं तुहाडे लई मक्की लै के आए हां कणक दे वाढे वाली। ये अपने चाचा जी गुरसेवक सिंह दंदराले ढींडसे तो इन्होंने मक्की उगाई आ। ये तुहानूं दस्सणगे वी इह मक्की किन्ने नंबर सीड आ अते इहदे किन्नी क मेहनत लगदी। सत श्री अकाल जी। ये मक्की अपने 33-96 बी है जी, पैनियर का 33-96। हाँ जी हाँ जी, ये तकरीबन 22 अप्रैल में इहदी बिजाई हुई सी ते उस तो बाद रेहां स्प्रेहां तुहानूं पता ही आ। वी जाने बीज की क्वालिटी लाइए तो मेहनत का तो देखो जी, ये मक्की आलू इन भी कट्टी खड़ी है जो तुहानूं दिख रही है। हाइट आपां कह सकदे हां, सर्दियां वगैरह देखो तो थोड़ी जी दिक्कत यह आई आपां उधर मक्की अपनी खेत होर बीजा सी, उत्थे रोज़ तो सूरां ने प्रॉब्लम लियाती, अजे हफ्ता खंड मक्की होर फड़दी सी जिहड़े करके सानूं इह छेती कट्टणी पई क्योंकि टोआ आउट करना जी। ये दोस्तों मैं दस देना चाहुंदा वी अज कल जंगली सूर बहुत वध चुके आ। इहदा किसानां नूं इक जिवें बैड़ियां दे नाल गावां दे नाल समस्या आउंदी सी, हुण जंगली सूरां दे नाल इह समस्या दा सामना करना पै रिहा। देखो जी ये मन के चलिए भी 3 टीलिया के एक थैला तो डी ए पी का पैया, तो यूरिया तो पता ही है थोनों भी कि आपको पाना पैंता है मिनट के हिसाब न। दूसरी गल ये भी कीड़ी की जी स्प्रे ये अपन ता मक्की इस तरह हुई भी सानू यह खुडो खुडी सारी 6 किले मक्की के लाए हुए थे, 6 से 6 ही कले कले खुटते स्प्रे करी। किनिया स्प्रे हो गई स्प्रे हाँ तकरीबन 3 स्प्रे कीड़ी दी हो चुकी ने। दोस्तों 3 स्प्रे कीड़ी दी हो चुकी ने। कणक दे वाढ वाली मक्की नूं कीड़ी की समस्या सब तो वध पैंदी है, कीड़ी वध तो वध आउंदी आ, उहदे लई स्प्रे आपां नूं वध तो वध करनियां पैंदियां ने। क्लोरो हैगी आ, होर की हैगी ने, डेलीकेट हैगी आ, फेम हैगी आ, काफ़ी हैगी ने, आपां तुहानूं दस दांगे। ते इस तो अलावा चाचा जी इहदी हाइट इन्नी किवें होगी, इह तां मैनूं आलू वाली मक्की लगी जा रही है वी। की गल देखो जी आपां ने सीड सी तो लिया उन्होंने कहा थी भी मक्की अपने एरिया चो दिखनी चाहिए है, कोई इस तरह का सीड दो। उन्होंने पैनर का सीड दिता सी, ये कहते जी तुम ये लगाओ, सब तो बेस्ट सीड यही आ, इस उपर कोई सीड नहीं है। बाकी है मिनट से गल कर दी भी साडे जिहड़े पंप के स्प्रे करते हैं बदलियां के निशान पे पे आ, मक्की ता हुई है पंप पिट्ठू रहिंदा ही रहिंदा। हाँ जी हाँ जी, उस तो बाद हुण देखो भी किसी छली नूं कोई सुट नहीं जिवें आम पैंदे ने, सारियां बिल्कुल ओके ने सही ने। आपां तुहानूं छली भी दिखा दिंदे आ, नज़दीक लैओ कैमरा कोल, देखो दोस्तों तुहाडे सामने रिजल्ट आ। हर एक दाणा
पूरा वधिया एन दाने ना छलियां दे छलियां वांगू जिवें आपां कहिंदे हुंदे आ एन ओके दी रिपोर्ट आ पूरी। कणक दे वाढे बहुत वधिया उपराला अचार पाउण दा। मैं सारिआं नूं अपील करदा वी आपां वध तों वध अचार नाल जुड़ीए तां जो पंजाब विच आउण वाली महंगाई तूड़ी दी महंगाई होगी पशुआं लई हरे चारे दा बहुत ही वधिया सिस्टम आ। वध तों वध अचार नाल जुड़ीए। इस तों बाद आपां तुहानूं मशीन दिखाउणे आ। चलो चलो प्रधान करा बस। हाँ जी वीरे, ये मशीन आ क्लास कंपनी जैगवार दा मॉडल आ। ਇਹ ਵਨ ਰੋ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੁਗਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਵੀਲ ਟਰੈਕਟਰ 969 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਟੋਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਰਸਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਟੋਆ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਵਾਲਾ ਟੋਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਢੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਆ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਮੀਂਹ ਨੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਢੇ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਚਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, 100% ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਰ 1 ਨੰਬਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਚਰੀ ਬਰਗਾਈ ਸਾਰਗੋ 635 ਨੰਬਰ ਅਡਵਾਂਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।